शनिवार को ताजमहल पर सैलानियों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम सैलानियों की परेशानी का कारण बना हुआ है, जिस पर एएसआई अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। पर्यटन सीजन आते ही ताजमहल पर सैलानियों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ताजमहल के पश्चिमी गेट पर, जहां आप देख सकते हैं कि जो जन सैलानी है यहाँ पर कितनी तादाद में, यहाँ पर लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जो ऐसे जिस तरह से देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर ताज का दीदार करने के लिए सैलानी आ रहे हैं। हालांकि ये संख्या वीकेंड के दिनों में काफ़ी हद तक ज़्यादा देखी जाती है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि 4 से 5 यहाँ पर लाइन लगी हुई है एंट्री गेट पर, और पश्चिमी गेट एक कह सकते हैं कि सैलानियों का एक जन सैलाब देखने को मिलता है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि यहाँ पर अगर बात की जाए टिकट विंडो की, तो टिकट विंडो पर 2-3 काउंटर खुले होने की वजह से लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और काफ़ी पर्यटक यहाँ पर परेशान हो रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है स्कैनिंग को लेकर भी यहाँ पर कई सारी सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम भी यहाँ पर सैलानियों की परेशानियों का कारण बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से देखा जा रहा है अधिकारियों की अगर बात की जाए तो इस पर कोई ध्यान नहीं है। अपने साथी प्रताप के साथ गोपाल शर्मा, सी न्यूज़, आगरा।